नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, त्यौहार, ज्योतिष इत्यादि विषयों पर बात करता हूं। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम सूर्य के राशि परिवर्तन को मंथ के जो मध्य में लगभग होता है, संक्रांति नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हर माह बात करते हैं। आज मैं सूर्य का जो मीन राशि में परिवर्तन होने जा रहा है 15 मार्च 2019 को प्रातः 5:40 से लेकर 14 अप्रैल 2019 दोपहर 2:09 तक जो है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, सभी लग्नों मेष से लेकर मीन लग्न तक। अब मैं आपसे विशेष रूप से धन लग्न के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ कि धन लग्न पे सूर्य का और इस बीच में यदि कुछ अन्य ग्रह भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं उनके बारे में क्या होने जा रहा है, ये बात करने जा रहा हूँ। तो धन राशि के बारे में बात करने धन लग्न के बारे में बात करने जा रहा हूँ, परंतु आपका धन लग्न है या नहीं इसको जानने या समझने के लिए आप अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष, स्थान, वर्ष और स्थान, ये सारी सूचना किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कंप्यूटर के फीड कर दें। स्क्रीन पे इस प्रकार का चित्र आता है। यदि मध्यम के खाने में 9 नंबर लिखा है और धनु लिखा हुआ है, धनु लग्न अथवा सजनेट, तो समझिए आपका ये लग्न है। आपके पास अपनी जन्म की सूचना नहीं है तो यदि आपके ये नाम के अक्षर है तो समझिए तो भी आप धनु राशि अथवा लग्न से जुड़े हैं। अभी अक्षर क्या है ये मैं आपको पढ़ देता हूँ। ये है ये यो भा भी भू धा फा ढा भे, ये नाम के अक्षर हैं, तो समझिए आप धनु लग्न से जुड़े हुए हैं। अब क्या होने जा रहा है इस माह में 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में, 15 और 16 तारीख मार्च की, इसमें अत्यधिक भावुकतापूर्ण समय, पैतृक संपत्ति, प्रेम संबंधों, खर्चे को लेके और माता या जीवन साथी से जुड़े तनाव को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर ये थोड़ा सा भावुकतापूर्ण समय। दीर्घकालीन निर्णय कोई इसमें ना लें, जैसे विवाह, संपत्ति, व्यापार, बाहर जाना इत्यादि। पैतृक संपत्ति के मुद्दे इसमें उठ सकते हैं तो उनको प्यार से, समझौतावादी नीति से निपटाना ठीक रहता है। फिर आती है 15 से 16 तारीख थी, अब 17 से 18 तारीख को आपका जो है मन थोड़ा सा चंचल होगा, स्थायी होगा, कुछ शुभ अशुभ संस्कारों के भी योग बनते हैं, प्रेम संबंधों के योग बनते हैं, विदेश में जाने के या वाहन खरीदने के, संपत्ति खरीदने के, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं। यदि आपको दशाएं अच्छी चल रही हैं, साठ सती इत्यादि नहीं चल रही हैं, तो आप वो निर्णय ले सकते हैं। उसके बाद 19 और 20 तारीख के जो दो दिन हैं इनमें आपका विदेश में भाग्योदय, विदेश में शिक्षा, विदेश में संपत्ति लेना, विदेश में विवाह इत्यादि, उसके बारे में समय उत्तम है, ये हो सकता है। परंतु जो स्थिति बुध ग्रह की है, जो ग्रह शुक्र ग्रह की है, तो धोखा ना लगे इसलिए ड्यू डेलिजेंस या पूरा बैकग्राउंड चेक करके ही कोई भी दीर्घकालीन निर्णय, संपत्ति का हो, विवाह का हो, नौकरी का हो, तभी वो निर्णय लें, परंतु भाग्योदय के संकेत मिल रहे हैं। उसके उपरांत 21 और 22 तारीख ये बड़े दो महत्वपूर्ण दिन हैं, क्योंकि 21 तारीख को आपका जो शुक्र ग्रह है वो राशि परिवर्तन कर रहा है और 22 तारीख को आपका जो पंचम का स्वामी है, संतान का, बुद्धिबल का, ऊर्जा का मंगल, वो राशि बदला छठे स्थान में जा रहा है। शुक्र का जो है 21 से लेके 15 अप्रैल तक थोड़ा सा शनि की दृष्टि में उनसे अशुभ रहेगा और मंगल का छठे स्थान में मंगल आ रहे हैं ये बहुत बढ़िया और प्रबल रहेगा। तो जो इसमें विपरीत क्या हो सकता है शुक्र का, उसमें आप किसी भी कंट्रोवर्सी में ना फंसें, प्रॉपर्टी, किराए, प्रेम संबंधों को लेके वाद विवाद, जीवन साथी, अपने मित्र इत्यादि से ना हो, उससे बचें। यात्रा आवश्यक ना हो तो आप ना करें, विशेष करके जो ये तारीखें हैं 21 और 22, कोई भी जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय 21-22 को ना करें। 23 और 24 इसमें विभिन्न प्रकार के लाभों के संकेत हैं, बेशक वो पैतृक संपत्ति से जुड़े हों, विदेश से जुड़े हों, प्रेम और विवाह से जुड़े हों और संतान से जुड़े हों। 25 और 26 तारीख ये योग, अध्यात्म, दूरदृष्टि, अंतर ध्यान,
आत्ममंथन उसके लिए अत्यधिक शुभ समय रहेगा, बेशक वो संपत्ति के मामले में हो, विदेश में जाने के मामले में हो, अध्यात्म के मामले में हो, विदेश में शिक्षा से जुड़े मामले में हो, संतान के मामले में हो, या संपत्ति संतान इत्यादि के लिए कर्ज लेने देने के मामले में, परंतु अध्यात्म के दृष्टिकोण से शुभ समय रहेगा। 27 और 29 तारीख अत्यधिक महत्वपूर्ण है, दो दिन, क्योंकि इसमें 29 को गुरु जो आपके लग्नेश हैं वो आपके राशि में आपके लगन में आ रहे हैं प्रवेश करके, और ये 15 तारीख का तुम्हें अचानक ये गोल्डन पीरियड सा लग रहा है, परंतु तेज़ी से उसका जो गुरु का आना शनि केतु के साथ संबंध बनाना, ये बताता है कि आप पूरे चौकस रहें, समय अच्छा है, ऑर्गेनाइज रहें, विशेष करके 27 29 को ऑर्गेनाइज रहें, जल्दबाजी में निर्णय ना करें। विशेष करके वो निर्णय तीन हो सकते हैं, पैतृक संपत्ति, अपनी खरीदी हुई संपत्ति, बैंकिंग इत्यादि का उससे जुड़ा धन और कार्य क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। उसका 30 और 31 तारीख, इन दिनों में परिवार में शुभ कार्यों के संकेत हैं, शुभ योग हैं और पार्टी इत्यादि हो सकती है, आप इस पीरियड को एंजॉय कर सकते हैं। फिर 1 से 3 तारीख में थोड़ा दुर्घटना का है, थोड़ा माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता है, छोटे या बड़े भाई बहन के साथ तनाव हो सकते हैं, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ा ना लें। विदेश में जाने के योग बनते हैं शिक्षा इत्यादि को लेके या कला साहित्य संगीत से जुड़े, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, पर उन निर्णय जो हैं आप 3 तारीख के बाद लें, उसके उपरांत 4 और 5 तारीख, क्योंकि सूर्य का जो है चतुर्थ भाव में जब चलता है तो आपका क्रोध बढ़ा रहता है या डिप्रेशन होता है। 5 को अमावस्या है, हल्का है डिप्रेशन हो सकता है, थोड़ी सी कफ, थोड़ा सा चेस्ट प्रॉब्लम, हृदय रोगियों को इसमें सावधानी रखनी होगी, पिता के स्वास्थ्य की सावधानी रखनी होगी, और जो राजनीति या इसमें जुड़े हैं सरकारी नौकरियों में, ये 4 और 5 तक थोड़ी सी खराब हो सकती है, तो सावधानी रखनी होगी। फिर आता है 6 तारीख से लेकर पीरियड 14 अप्रैल तक का, तो नया संवत आ रहा है, परिधावी नाम संवत है, संवत 2076, ये 6 तारीख को आ रहा है, और आखिरी दिन जो है मीन राशि में सूर्य जो चल रहा है 14 तारीख तक, तब तक ये नवरात्र भी चलेंगे, 6 से 14 तक अत्यधिक शुभ नवरात्र चलेंगे, भगवान राम का जन्मदिन 14 को होगा, संक्रांति होगी, तो 14 तारीख अत्यधिक उत्तम है। नवरात्र जो लग रहे हैं 6 तारीख को, तो चंद्र आपके पंचम भाव में, तो आपका मन प्रफुल्लित होगा पूजन के लिए। इन नवरात्रों में आप चाहें तो पिछले जन्म के जो भी जुड़े हुए कुप्रभाव हैं उनसे मुक्ति ले सकते हैं। भक्ति के जो तारा त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी अथवा दुर्गा रूप का पूजन करके 6-7 तारीख को आरंभ कर सकते हैं। 8 और 10 तारीख का जो समय है, इसमें भक्ति के शक्ति का जो रूप है दुर्गा का, उसका आप पूजन कर सकते हैं, उससे संतान के लिए, कर्जों के लिए या किसी भी झगड़े और विरोध में विजय के लिए शुभ रहेगा, पढ़ाई के लिए अच्छा रहेगा, चिकित्सक हो, फौज, पुलिस, सुरक्षा से जुड़े लोगों के लिए उत्तम रहेगा। 11 और 12 तारीख यहाँ चंद्र का गुरु से योग बनेगा, गज के से योग बनेगा, सब ठीक रहेगा, परंतु पैतृक, प्रेम संबंधों, संपत्ति इत्यादि को लेकर कोई भी निर्णय है उसमें यदि समस्याएं चल रही हैं, झगड़े मुकदमे चल रहे हैं, तो बगलामुखी या काली का पूजन करने के लिए अथवा श्री विद्या का पूजन आरंभ करने के लिए 10 महाविद्याओं में से आप ये आरंभ कर सकते हो। उसके उपरांत जो तारीख आ रही है वो 13-14 तारीख, चंद्र अष्टम भाव में होंगे, ध्यान में मन प्रबल रूप से लगेगा, भगवान राम के प्रति मन आपका जाएगा, सिर्फ स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखें और परिवार में माता पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इस दिन से पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित रहें। इन नवरात्रों में 6 से 14 के बीच में कोई भी खान पीन इत्यादि का आप जो है उससे दूर रहें। लगातार शेयर मार्केट सट्टा जो जैसे वनडे सीरीज इत्यादि चल रही है ऑस्ट्रेलिया इंडिया इत्यादि की, सट्टे वगैरह से बचिएगा। अब यदि आपको कुछ रत्न धारण करने हैं तो नवरात्र बहुत शुभ रहते हैं, तो इनमें यदि आपको अपने स्वास्थ्य के लिए, संपत्ति के लिए सारस्वती इत्यादि चलनी है, तो उसके लिए यदि पुखराज धारण करना है तो आप पुखराज जो है 11 या 12 अप्रैल को धारण कर सकते हैं। जीवन साथी कार्य क्षेत्र इत्यादि के लिए आप जो पन्ना है वह
14 तारीख को धारण कर सकते हैं, 14 तारीख को धारण कर सकते हैं। और माणिक्य शिक्षा के लिए, भाग्य के लिए, संबंधों के लिए, माता पिता या कार्यक्षेत्र में संबंधों के लिए, वो जो है आप 8 या 9 अप्रैल को धारण कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।